धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे एक आवश्यक विषय सदन के संज्ञान में लाना है। सभापति महोदय, सांसद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग अथवा केंद्र की किसी योजना का कार्य करवाने का आग्रह मंत्रालय को किया जाता है। सांसद केंद्र सरकार को पत्र लिखता है कि मेरी ये क्षेत्र की मांग है और इस पे ध्यान दिया जाए और उसका प्रस्ताव बना के इस कार्य को किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा जो जवाब आता है उसमें ये लिखा जाता है कि राज्य से प्रस्ताव भिजवाया जाए। अब जिस राज्य में किसी और दल की सरकार है वो राज्य सांसद की अनुशंसा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और प्रस्ताव नहीं भेजता। मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का प्रस्ताव केंद्र ने राज्य को भेजा है लेकिन अभी तक राज्य के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और कुंभलगढ़ में ये सेंचुरी बननी चाहिए, टाइगर सेंचुरी। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहूँगी कि अगर कोई भी सांसद पत्र लिखता है तो केंद्र सरकार का जो भी मंत्रालय है वो राज्य को डायरेक्शन दे कि वो उस पर कार्रवाई, सांसद का अगर पत्र है तो उस पर प्रायोरिटी से कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सांसद को ये कहा जाए कि सांसद राज्य से प्रस्ताव भेजे। केंद्र अगर राज्य को डायरेक्शन दे कि वो प्रस्ताव भेजे क्योंकि सांसद ने ये डिमांड की है। ढाल सिंह जी, हो गया, एक के मिनट में बोलना है आपको, हो गया, आ गया मैटर, नहीं हो रहा है मैटर आपका, आ गया। कोई भी सांसद की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही है, गया, मैटर आपका आ गया, बैठ जाइए मैटर आपका आ गया, मैटर आ गया भाई, एक लाइन को तीन बार बोलने की क्या जरूरत है, मैटर आपका आ गया, चलिए बोलिए, बोलिए, बोला जा। अरे जो भेजते हैं यहाँ से, चाहे जल जीवन में भी यही हो रहा है कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, राज्य अपने हिसाब से आगे भेज देती है और काम भी होता है उसके बाद हम लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं मिलती। जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उसकी जानकारी सांसद को नहीं मिलती, सांसद पत्र लिखता है केंद्र को, उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं होती, राज्य सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है राजस्थान में। तो ये अगर सांसद की बात को केंद्र ही वहां से अगर निर्देश दे राज्य को के सांसद ने पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रस्ताव भेजा जाए, मेरा ये कहना है सभापति महोदय, धन्यवाद।